इंडियन पीएम ने फौरन फोन किया, इनका जिस बच्चे ने 10वें नंबर पे फिनिश किया यादव ने, उससे पहले बात की है मोदी साहब ने, फिर नीरज से बात की है। भाई जान यहां आपके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, भुन जाते हैं, कोई एक लफ्ज। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया नीरज चोपड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम फिर से रोशन किया है और सिल्वर मेडल हासिल किया है, तो पाक मीडिया उस पर अपना रिएक्शन दे रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत में प्लेयर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है और इसीलिए वो बाहर जाके भारत का नाम रोशन करते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और ओलंपिक में भी जो बंदा पाकिस्तान से गया था वो अपने खर्च पे गया था, पाकिस्तानी सरकार ने कोई मदद नहीं की और उनके कोशिशों की पाकिस्तान में कोई सराहना भी नहीं होती। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पे आए हैं और सिल्वर, और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं जनाब अरशद भाई, तो पांचवें नंबर पे फिनिश किया है और अभी बर्मिंगम में जनाब ये जाके वहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अब हिस्सा लेंगे। 5-6 दिन के बाद उसका आगाज हो जाएगा, तो अब दोनों वहां पे जाएंगे, तो बेस्ट विशेस ये वर्ल्ड चैंपियन है पीटर्स, जो है इसने 90.54 की है। नीरज जो ओलंपिक चैंपियन है इसने 88.13 की है। रिजवान साहब मैं यहाँ एक बात आपको बता दूं, सारे दोस्त सुन ले। हाँ जी। जो से आप देखें इंडियन पीएम ने फौरन फोन किया, इनका जिस बच्चे ने 10वें नंबर पे फिनिश किया यादव ने, मैं एग्जैक्ट नाम आपको बता देता हूँ। हाँ, फिर मसला हो जाए। हाँ यादव ही है, रोहित यादव। उससे पहले बात की है मोदी साहब ने, फिर नीरज से बात की है। भाई जान यहाँ आपके सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, भुन जाते हैं, कोई एक लफ्ज मुंह से इनके मुंह का इनके पता नहीं क्या हो जाता है, कोई एक लफ्ज नहीं बोलता। ये देखे प्राइम मिनिस्टर, वो कुवेला बैठा होता है प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुल्क का, ठक करके फोन उठाता है, ठक करके मिलता है, वीडियो लिंक से बात करता है, इनाम देते हैं। भाई आप इनाम ना दे, आप दो लफ्ज अगर अप्रिशिएट, और मैं आपको बताऊं अगर अरशद नदीम को इनको जो ये बाकी है उससे चौथे हिस्से की फैसिलिटीज और उसको ट्रेनिंग मिल जाए, रिजवान हैदर वो भी पोडियम पे फिनिश कर सकता। मैं नहीं कहता वो गोल्ड जीत जाएगा, जीत पाता क्यों नहीं, मेहनत करे तो क्यों पोडियम फिनिश, अगर ये फैसिलिटीज दे तो पोडियम फिनिश क्या होती है। 1-2-3 कहने का मकसद है, आज आप 3 पे आए हैं, कल आप 2 पे आएंगे, फिर 1 पे आएंगे, भाई 5वें पे मुसलसल, ओलंपिक में भी 5वें पे, ये इतने बड़े प्रेस्टीजियस वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी 5वें पे, तो कहने का मकसद ये है आ सकता है अगर 25 फैसिलिटीज 100 रुपए की ना करें। बाकी तो दोस्त जो है अब देखे नीरज पे कितनी ठीक है उसकी मेहनत है, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी है ना। Absolutely. आप इसको थोड़ा सा करें बच्चे को, आप देखें ये क्या करता है। 2016-17 से मैं इनका कर रहा हूं रिजवान साहब, ये सारे एथलीट्स आते थे, कल भी मैंने नू वगैरह का किया, तो भाईजान कुछ भी नहीं देते इनको, यकीन करें इतना बड़ा बड़ा मच्छर है वहां पे जहां बेचारों को ठहराते हैं, ना कोई डाइट है, ना कोई ट्रेनिंग है, ना कोई कोच साथ होता है। मैं कहता हूं सलूट है अरशद और इन सबको जो बच्चे जाके मुल्क का झंडा लहराते हैं, भूखे प्यासे खेलते हैं। देखो जी तल्ख हकीकत है लेकिन यही रियलिटी है। मेरे ख्याल में उनकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी है, इसलिए वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, पर हमारे यहाँ थोड़ा सा ये जो स्पार्शी टोला लगा हुआ है ये हमारे मैरिट को ऊपर नहीं आने दे रहा, जिसकी वजह से हमारा हर जिस भी वर्ल्ड लेवल पे हम जाते हैं हमें शर्मिंदगी का मुजाहरा देखना पड़ता है। गवर्नमेंट तो सिर्फ जो है ना क्रिकेट के पीछे पड़ी हुई है, तो क्रिकेट को ही सपोर्ट करती है, मगर इतने बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं कि जिसमें आप जो है ना बड़ा अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हो। इंडिया सिर्फ गेम आप देखें ना, इंडिया हमारा बिल्कुल ऐसे समझें कि इंडिया और पाकिस्तान बहुत सदियों तक एक ही रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा आगे जा रही है, उनकी सिर्फ स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज हैं, इसके अलावा सॉन्ग इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, और जितनी भी इस तरह की इंडस्ट्रीज है ना जो यूथ से रिलेटेड है या जो सोशल रिलेटेड है, वो बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको फंड कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा ये जो इशू है ना ये पॉलिटिकल भी है, और इसके साथ प्रेफरेंसेस तरजीहात जो है ना वो हमारी और हैं। हमने बिल्कुल ये जो यूथ को भूल गए हैं, ये जो है स्पोर्ट्स को भूल गए हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भूल गए हैं,
हमारी जो है ना इस पे कुछ गवर्नमेंट नहीं कर रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम जो यूथ हैं इनको सपोर्ट करे, ग्राउंड्स दे और इनके जो है कोचेज हों। यहाँ पे तो इंटरनेशनल लेवल के हमारे यहाँ वो उस तरह के कोर्सेज भी नहीं है, उस तरह के ग्राउंड्स भी नहीं है, उस तरह की उनको फैसिलिटीज भी नहीं है। फिर भी ये जो बच्चे आगे आते हैं ये अपनी मेहनत पे आते हैं, इन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं आता। कि मैंने अरशद नसीम का सुना है कि उसके वालिद ने उसे ट्रेन किया, जब वो पिछली दफ़ा वो गया है जिस भी रशियन ओलंपिक टोक्यो में गया, तो उसके साथ एक और सिफारशी चला गया। ये खत्म होना चाहिए कि आप इस चीज से निकल आए कि नहीं भाई इतना तो हो ही गया, भाई विनर बनोगे तो एप्रिसिएशन भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। जब से जिस स्पोर्ट्स की फेडरेशन बनी है वो तबाह हो गया है। स्नूकर की फेडरेशन बनी तबाह हो गया, हॉकी की फेडरेशन बनी तबाह हो गया, स्नूकर बिल्कुल चैंपियन थे हम एक जमाने में वो तबाह। मैं कह रहा हूँ ये जो फेडरेशन बन जाती हैं और ये जो बहुत ही अंकल किस्म के इगोइस्टिक अंकल बैठ जाता है कोई जाके और वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा होता, इनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। भाई बूढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अंदर अनापरस्ती होना कि आगे जाने नहीं देंगे हम किसी को, हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ये इसके ऊपर ना पूरी ये बहुत बड़ी करप्शन है। इसके ऊपर हकूमत को पूरा पूरा अगर फंड नहीं कर सकते तो कम से कम इन बाबों से तो जान छुड़ा दो हमारी यार। सर ये मतलब बाबों से मुराद आपकी वो सिर्फ लोग हैं जो चीजों को खराब कर रहे हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल भारत के लिए हासिल करने पर बहुत बहुत बधाई है। और पाक मीडिया ने यहाँ पे सही कहा है कि भारत में प्लेयर्स को जो फैसिलिटीज मिलती है और अगर वो मेडल ना भी जीत पाए तो उनकी जो सराहना होती है उससे उनको कॉन्फिडेंस मिलता है अगले टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने का। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में पहले प्लेयर्स को कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती और अगर वो अच्छा परफॉर्म करे और कोई मेडल ना लाए तो उनकी कोई सराहना भी नहीं होती। और जैसे पाक मीडिया ने कहा कि भारत के जिस प्लेयर्स ने 10वीं पोजीशन हासिल की थी उससे भी मोदी जी ने बातचीत की थी ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिले कि अगले टूर्नामेंट में वो अच्छा परफॉर्म करे, तो ऐसे ही प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता और पाकिस्तान में ऐसा खास करके नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान के पास पहले तो क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनके पास जो भी पैसा होता है वो ज़्यादातर क्रिकेट में ही लगाते हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया से ही कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा जो भी स्पोर्ट्स की और भी फाउंडेशन है उस पर पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स का कब्जा हुआ हुआ है और वो जो भी पैसे आते हैं वो अपने खर्चों में ही लगा देते हैं, तो इसीलिए भी पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर या उन्हें फैसिलिटीज देने के लिए कोई पैसा नहीं बचता। तो इसीलिए भी पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा कोई भी और स्पोर्ट्स ऊपर नहीं जा रहा और क्रिकेट भी ऊपर इसीलिए जा रहा है क्योंकि सबका फोकस क्रिकेट में होता है और वहाँ पर करप्शन करना मुश्किल होता है। दूसरे स्पोर्ट्स में किसी का फोकस नहीं होता और उसमें करप्शन करना आसान होता है, तो इसलिए भी क्रिकेट के अलावा कोई भी स्पोर्ट्स पाकिस्तान में ऊपर नहीं जा रहा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।